नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तारा मधु की रसोई से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वादिष्ट दाल मखनी की रेसिपी। आप लोग अपने घर पर दाल मखनी तो बनाते ही होंगे, लेकिन आज मैंने दाल मखनी कुछ अलग तरीके से बनाई है। मैंने सिर्फ एक चम्मच क्रीम का यूज़ किया है, यानी कि घर की मलाई का यूज़ किया है, वो भी इसको गार्निश करने के लिए। मैंने इसके अंदर कोई भी तरीके की क्रीम नहीं डाली है और साथ ही राजमा और दाल का रेशो भी अलग सा रखा है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद रेसिपी है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही इसके ऊपर बेल आइकन दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। मैंने यहाँ पर एक कप नहीं बल्कि आधा कप लिया है साबुत उड़द की दाल। कुछ लोग रेशो 3:1 का रखते हैं, पर मैं यहाँ पर बराबर का रेशो रख रही हूँ। आधा कप ही मैंने लिया है राजमा, ये नॉर्मल राजमा है। मैंने आधा कप उड़द दाल लिया और आधा कप मैंने लिया राजमा, और इन दोनों को अब मैं 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगा दूंगी। बेहतर होगा कि अगर आपको सुबह बनानी है तो आप रात को भिगा दें, और अगर आपके पास समय कम है तो आप गर्म पानी में भी कैसरोल में 2 से 3 घंटे के लिए भिगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको ऐसे ही 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 7 से 8 घंटे होने के बाद देखिए मेरी दाल कैसे फूल गई है और राजमा भी फूल गया है। अगर आपको इसको बहुत टेस्टी बनानी है तो आप इसको हाथ से क्रश कर लीजिए, इसके छिलके कुछ कुछ उतरे हुए रहेंगे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए अब मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ। मैंने इसे हाथ से क्रश कर लिया है, मैंने इसे डाल दिया है कुकर में। साथ में मैं डाल दूंगी इसमें लगभग 2 ग्लास पानी, नॉर्मल पानी डाला है मैंने इसमें, और साथ ही मैं इसको बॉईल करने के दौरान डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। स्वाद अनुसार नहीं डालना है, बस आधा चम्मच ही डालना है, बाद में हम फिर से ऐड करेंगे। और अब बस कुकर को बंद करके मैं सिम गैस पर कम से कम 4 सीटी तक इसे बॉईल करूंगी। 4 सीटी लगभग हो चुकी है, मेरा कुकर ठंडा हो चुका है, और अब मैं इसे खोल करके चेक करके आपको दिखाती हूँ कि राजमा और दाल किस तरीके से उबले हैं। आप हमेशा कुकर को खोलकर चेक कर लें, अगर कसर रह गई है तो 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। मेरा यहाँ पर राजमा 4 सीटी में ही और दाल बढ़िया से उबल चुकी है। चलिए अब इसके लिए मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर, और उसमें डाल दिया है 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, साथ ही डाला है मैंने 1 टमाटर और 7 से 8 लहसुन की कलियां, और मैं डालूंगी इसमें 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्ची। आप चाहें तो टमाटर को बॉईल करके उसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, पर मैं एक सादे तरीके से आपको दाल मखनी बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा मसाला एकदम बढ़िया से पिस चुका है। चलिए अब इसमें छौंका लगाते हैं। यहाँ मैंने फ्राइंग पैन लिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और साथ में ऐड कर दूंगी मैं 1 चम्मच बटर। आप कोई सा भी बटर ले सकते हैं, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड। दोस्तों बटर के साथ दाल मखनी बहुत टेस्टी बनती है। जैसे ही ये बटर थोड़ा सा पिघले, हम इसमें डाल देंगे लगभग 1.5 से 2 तेजपत्ता, अब तेल गर्म हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी इसमें 2 हरी इलायची, मैंने इसे हाथ से ही क्रश कर दिया है। साथ में मैं डाल दूंगी 1 मोटी इलायची। अब ये चटकने लगा है, साथ में मैंने डाल दी है इसमें 7 से 8 काली मिर्च, और बस इसे तड़कने देते हैं। अब मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच जीरा, और इसे थोड़ा सा सॉटे कर दूंगी। बटर की वजह से इसमें झाग आ गई है, तो हमें इन सारी चीजों को अच्छे से सॉटे करना है। दोस्तों ये पंजाबी स्टाइल में दाल मखनी बन रही है, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप बना करके जरूर खाइएगा, रेशो मेरे हिसाब का बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। साथ में मैंने डाल दिया है अब अपना प्याज वाला मिक्सचर जो हमने ग्राइंड किया था, और अब इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। गैस एकदम स्लो रखिएगा, इस मसाले को तसल्ली से भूनिएगा। दोस्तों जब ये मसाला एकदम तेल छोड़ दे, हमें तब तक इसे भूनना है। पूरी दाल का स्वाद अब हमारे मसाले भूनने पर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपका मसाला कच्चा रह गया तो उसमें प्याज और लहसुन की थोड़ी सी स्मेल और कचैंद आएगी, तो ऐसा ना करें, अच्छे से मसाले को भूने। अब इसमें हम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर,
आधा चम्मच सूखा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी अब नमक, क्योंकि नमक हमने बॉयल में भी डाला था, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा ही उस हिसाब से ही नमक डालें। और इन सारी चीजों को अब अच्छे से फिर मसाले में भून लूंगी। देखिए मसाले पर बढ़िया सा कलर आ गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से नहीं भुना है, मैं इसे अभी अच्छे से और भूनूंगी। अब देखिए मसाला बिल्कुल अलग सा हो गया है, कढ़ाई को छोड़ने लगा है, इट मींस ये अब भुन चुका है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा, लगभग एक चम्मच दाल मखनी मसाला। अगर आपके पास दाल मखनी मसाला नहीं हो तो आप सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। और बस इसे इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमारा मसाला अब एकदम रेडी है। अब हम इसमें उबली हुई दाल और राजमा डाल देंगे। दोस्तों जितने पानी में हमने उबाला था हमने वही पानी डाला है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। अगर आपका डालना भी पड़े तो उस पानी को हमेशा गर्म करके डालिए, वरना स्वाद बिगड़ सकता है। ये देखिए मेरे दाल में अभी पानी जितना है मैं उतना ही रख रही हूँ, इसमें एक्स्ट्रा पानी और नहीं डाल रही हूँ। और अब इसे कम से कम 10 मिनट तक मैं ढक्कन लगाकर ऐसे ही बॉयल होने दूंगी। तो लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं, मैं अपनी दाल को थोड़ा सा मिक्स करके हिला देती हूँ। ये देखिए अभी ये दाल थोड़ी सी पतली है, पर रखने पर ये गाढ़ी हो जाएगी, तो आप थोड़ा पतला रखें। और अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें आधा कप दूध। जी हाँ, मैंने क्रीम नहीं डाली है, सिर्फ और सिर्फ दूध डाला है। दूध से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल क्रीम जैसा है। तो आप पानी ना डालें, छौंकने के बाद सिर्फ दूध ही इसमें डालें। और अगर गाढ़ा भी हो जाए, लिक्विड भी करना है, तो आप दूध ही डालें। और अब इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी हाथों पर क्रश करके, जिससे इसका स्वाद और चौगुना हो जाएगा। और इसे अच्छे से अब मैं मिक्स कर दूंगी। दोस्तों कलर से ही पता लग रहा है कि हमारी दाल मखनी कितनी स्वादिष्ट बनी है। और इसे ढक करके अब मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। कोई भी चीज आप बनाएं उसको तुरंत ना परोसें, बंद करके ढक्कन और गैस उसको उसी में रहने दें, ताकि वो आपस में अरोमा में आराम से अपनी सारी चीजें घुल मिल जाए। तो हमारी दाल मखनी एकदम अब रेडी हो चुकी है। चलिए इसको सर्व करते हैं। मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया है और साथ में एक चम्मच मात्र डाल दी है अपने घर के दूध की मलाई, जिसको मैंने फैट करके इसके ऊपर डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों तैयार है आपकी दाल मखनी, वो भी बिना क्रीम के। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। छुट्टी के दिन, सैटरडे संडे के दिन, त्योहार के दिन, चावल के साथ, नान के साथ जरूर बनाकर खाइएगा मेरे स्टाइल की दाल मखनी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ।